सो आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो भी मैनेजमेंट होती है उसका हमेशा एम होता है एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि जो भी मैनेजमेंट बनाई जाती है उसका मेन एम यही होता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, उसका मेन जो एम है उसको, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी फंक्शन एंड एक्टिविटीज मैनेजर करता है, लीड मतलब करता है, टू दी किस लिए करता है, ताकि वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। मैनेजमेंट यूनाइट्स दी एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। जो भी मैनेजमेंट होती है वो यूनिटी में आकर एफर्ट्स डालती है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स डालता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो टूवर्ड्स अचीविंग कर सके कॉमन गोल को। ठीक है, मतलब मैं आपको नॉर्मल अगर इस पॉइंट का अगर आपको कंक्लूजन बताऊँ तो यही है कि जो भी मैनेजमेंट बनाई जाती है उसका एक ही मोटिव होता बनाने का, उनका एक ही एम होता है बनाने का, कि वो अपने गोल को, अपने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ठीक है, जैसे देखो मैनेजर फंक्शन है किस तरफ चलेगी, एम टूवर्ड्स गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसी के साथ करते हैं आप सेकेंड पॉइंट जो दे रखा है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, कि जो मैनेजमेंट होती है वो हर जगह होती है, हर लेवल पर होती है। मैनेजर एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एक्टिविटीज़ मैनेजर परफॉर्म करता है वो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट, हर लेवल पे करी जाती है। अब आप देखो, आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, वो भी कुछ एक्टिविटीज़ मैनेज करेगी। आपके जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, इन सब डिपार्टमेंट के क्या बनाए जाएंगे, मैनेज करने के लिए मैनेजर्स बनाए जाएंगे, हेड बनाए जाएंगे। और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जो कि मैनेजमेंट जो है वो नीडेड है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी करी जाती है। जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती हैं हर डिपार्टमेंट पे करी जाती है। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैनेजमेंट है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होती है, वेदर बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ी और छोटी हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस दे रही हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट कमाती हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या कहा जाएगा, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। जो भी मैनेजमेंट होती है वो कोई सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती है, वो कई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट होगी कोई वो सिंगल वर्क नहीं करेगी, वो बहुत सारे काम करेगी। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट करी जाएगी टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ काम करेगी, कुछ परफॉर्म करेगी, कोई भी टास्क हो चाहे वो उनका गोल हो। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ किसके थ्रू करेंगी, ताकि वो किसके लिए करेंगी, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। एंड टास्क टू बी अकम्प्लिश, और जो उनको टास्क दिए जाएंगे वो उनको कंप्लीट करने होंगे। द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। जो भी टास्क या काम उनको दिया जाएगा वो उनके वर्क पे डिपेंड करता है कि वो किस नेचर ऑफ बिजनेस में काम करें। जैसे कि मैं बोलूँ, वर्क टू बी अकम्प्लिश इन अ स्कूल इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, तो जो स्कूल में काम दिया जाएगा किसी भी मैनेजमेंट को, तो वो क्या दिया जाएगा कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। हॉस्पिटल में क्या दिया जाएगा कि उनको ट्रीट करना है पेशेंट को। इंडस्ट्रीज में क्या दिया जाएगा कि उनको मैन्युफैक्चर करना है कुछ प्रोडक्ट को। मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट मेक श्योर करेगी जो उनको काम दिया गया है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आप ये भी कह सकते हो, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, प्लानिंग करनी, उनको ऑर्गेनाइजिंग करना एंड कंट्रोल करना। ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा कि हम पहले प्लान करेंगे कि क्या क्या देना है, देन उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, देन उनको कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर ये थ्री टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या कहता है, पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज, कि क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा, ह्यूमन ही नहीं होगा, तो कोई चीज़ हम मैनेज कर पाएंगे। हमारा मेन एम है किसी चीज़ को कंप्लीट करना, कोई टास्क, जैसे मेरा काम चल रहा है कि मैं वुमेंस प्रोडक्ट बनाती हूँ, जैसे कि सूट हो गया, साड़ी हो गया,
कुछ भी होगा मैं बनाती हूँ, अगर मेरे पास ह्यूमन ही नहीं है तो मैं साड़ी बना पाऊँगी, सूट बना पाऊँगी, नहीं बना पाऊँगी। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मेन असेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेट टास्क गेट टास्क एकम्प्लिश थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इरेलीवेंट। मैनेजमेंट क्या करती है, टास्क को एकम्प्लिश करती है, टास्क करती है थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ, कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है एंड उनकी क्या वीकनेस है, उनको उसी को देख के काम दिया जाता है, ठीक है। मैनेजिंग पीपल ऑफ हैज़ टू डायमेंशन, मैनेजिंग जो पीपल है उनको टू डायमेंशन है, कि एम्प्लॉय इंडिविजुअल की नीड्स को जानना, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, कि टेकिंग केयर करना जो भी इंडिविजुअल की नीड्स हैं एंड ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें उनके बारे में हर चीज़ जाननी चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या कहता है, इस मैनेजमेंट ऑफ पीपल में सॉरी क्या आता है, स्टाफिंग एंड उनको डायरेक्ट करना, स्टाफ अपॉइंट करना और उनको डायरेक्शन देना कि उनको किस जगह पे कैसे काम करना है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या कहता है, ऑपरेशन रेफर टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन साइकिल के अंदर आती है, जैसे कि मुझे किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, सेल करनी है या फिर कोई भी चीज़ मुझे परचेज करके आनी है, तो हम इसमें क्या आएगा, बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग दैम इंटू सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या करता है, मिक्स करता है अपने मैनेजमेंट ऑफ वर्क को मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, कि क्या काम करना है, हाउ इट इज हैज़ टू बी डन, कि कैसे करना है एंड हु विल डू इट, और कौन करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कि मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कि मैनेजमेंट जो है हर ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कॉन्टीन्यूसली, जो भी मैनेजमेंट की मैनेजमेंट का काम होता है, जो भी फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे प्लानिंग करनी है तो मेरे को मैनेजमेंट चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो मुझे मैनेजमेंट चाहिए, स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स एंड ऑल द टाइम, कोई मैनेजर्स ही इन सब फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को करेगा, ठीक है। समटाइम दे आर डूइंग प्लानिंग, कभी वो प्लानिंग करते हैं, देन स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग, जो भी काम है वो कॉन्टीन्यूसली, जो भी मैनेजमेंट है वो कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस है, कॉन्टिन्यू चलती रहती है, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, जो भी मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। जो भी मैनेजमेंट होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल में करी जाती है, ईच इंडिविजुअल क्या करता है, परफॉर्म करता है अपने काम को जो उनको हर डिपार्टमेंट हर मैनेजर को दिया जाता है, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, तभी मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो करे जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, ये चेंज होता रहता है। द इंटरनल एनवायरनमेंट कौन कौन से होते हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट, ये ग्रेट इन्फ्लुएंस करता है। कोई भी चेंज एनवायरनमेंट के अंदर आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करके न्यू प्लान बनाया जाता है ताकि हम मार्केट में ग्रो कर सकें, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, इज एक डायनेमिक फंक्शन है, चेंज होता हुआ फंक्शन, डायनेमिक मतलब चेंज, ठीक है। कभी भी जो एनवायरनमेंट है वो सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। इंटेंजिबल क्या है, मैनेजमेंट कभी भी दिखता नहीं है, मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं लेकिन हमें क्या है, हमें मैनेजमेंट कभी भी फिजिकली सीन नहीं होता। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट क्या था, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, हर जगह यूज़ होता है। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट में हम सिंगल वर्क नहीं करते, बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हर प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में, स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हर जगह जो है कॉन्टीन्यूसली मैनेजमेंट यूज़ होता रहता है। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में ही मैनेजमेंट करी जाती है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट टेक प्लेस, ठीक है। इनटेंजिबल है, मैनेजमेंट हमें कभी भी दिखता नहीं है, ओके। इसी के साथ करैक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हमारी कंप्लीट होती है।